हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूँ यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कल के होने वाले एलिमिनेशन चेंबर के लास्ट मिनट शॉकिंग अपडेट्स के बारे में। कल का जो पेपर व्यू है एलिमिनेशन चेंबर, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों। इस पेपर व्यू में हमें काफ़ी सारे शॉकिंग मोमेंट्स देखने मिल सकते हैं एंड प्रोबेबली देखने मिल सकते हैं न्यू विनर्स भी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट मिनट शॉकिंग अपडेट्स के बारे में जो जुड़ी है एलिमिनेशन चेंबर 2021 से। क्या शेमस बन सकते हैं न्यू WWE चैंपियन? क्या फीन का रिटर्न हो सकता है और वो अटैक करेंगे रैंडी ऑर्टन को? और क्या द बीस्ट इनकार्नेट रिटर्न करेंगे फाइनली कल के एलिमिनेशन चेंबर में? ये सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसे एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल रेसलिंग बादशाह को सब्सक्राइब करिए एंड सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है वो प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, फर्स्ट बात करते हैं द फीन के बारे में। जैसे आपको पता है कि रैंडी ऑर्टन ने फीन को जला दिया था और ऐसे फीन का अपीयरेंस बंद हो गया था ऑन WWE टेलीविजन। बट एलेक्सा ब्लिस ने लास्ट वीक के रॉ में हिंट दिया है कि द फीन रीबर्थ लेंगे, मतलब फीन बहुत जल्द आने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा जो सेंस बनाता है वो ये है कि द फीन आएंगे एलिमिनेशन चेंबर में और कॉज करेंगे रैंडी ऑर्टन को उनका मैच। लाइट्स ऑफ हो सकती है और जब रैंडी ऑर्टन कम्पीट करने जाएंगे तभी फीड उनके पीछे खड़े रहकर उन पर अटैक कर सकते हैं और ऐसे उन्हें वो मैच कॉज करा सकते हैं, या फिर कोई हॉरर सीन हमें देखने मिल सकता है बिटवीन द फीड एंड रैंडी ऑर्टन। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या द फीड आते हैं एलिमिनेशन चेंबर में और उनका और रैंडी ऑर्टन के बीच में कुछ एक्शन देखने मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों, बात करते हैं शेमस के बारे में। दोस्तों, जो ड्रू मैकइंटायर अपना चैंपियनशिप डिफेंड करने वाले हैं इन द एलिमिनेशन चेंबर मैच, ये मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि इस मैच में हमें देखने मिल सकते हैं कुछ ट्विस्ट। आप सबको पता है कि शेमस जो है वो लास्ट आने वाले हैं इन द एलिमिनेशन चेंबर और ऐसे शेमस फ्रेश भी रहेंगे और वो तोड़ सकते हैं बाकी के सारे पार्टिसिपेंट्स को, क्योंकि सारे पार्टिसिपेंट्स कैश आउट हुए रहेंगे, थके हुए रहेंगे। और ऐसे दोस्तों शेमस के चांसेस बढ़ते हैं टू विन द WWE चैंपियनशिप एंड मे बी हमें एक शॉकर देखने मिल सकता है कल के एलिमिनेशन चेंबर में और वो ये है कि शेमस जीतेंगे WWE चैंपियनशिप और वो आगे जाएंगे एज द WWE चैंपियन। वो इसलिए हो सकता है क्योंकि ड्रू मैकइंटायर को क्राउड के सामने जिताना है और आपको पता ही है कि रेसलमेनिया 37 में क्राउड होने वाली है, चाहे वो थोड़ी क्यों ना हो बट क्राउड होगी। और आपको पता ही है कि ड्रू मैकइंटायर ने बड़े बड़े सुपरस्टार्स को हराया है जैसे ब्रॉक लेसनर एंड गोल्डबर्ग, और इसलिए उनकी जो विक्ट्री है इन फ्रंट ऑफ द क्राउड वो होनी ही चाहिए। तो अगर शेमस को वो जिताते हैं चैंपियनशिप एंड एलिमिनेशन चेंबर, तो फिर रेसलमेनिया में ड्रू मैकइंटायर शेमस को हरा कर जीत सकते हैं WWE चैंपियनशिप इन फ्रंट ऑफ द क्राउड। पर दोस्तों, ये होने के चांसेस थोड़े से कम है क्योंकि ड्रू मैकइंटायर के ऊपर ही ज़्यादा बैटिंग ऑर्ड्स लगे हैं कि वही जीत सकते हैं ये मैच एंड रिटेन कर सकते हैं अपना WWE चैंपियनशिप। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर क्या होता है इस मैच में। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द रिटर्न ऑफ बीस्ट इनकार्नेट। दोस्तों, ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के लिए सभी वेट कर रहे हैं और यहाँ पर अगर उनका रिटर्न होता है तो दो पॉसिबल सिनेरियोस हो सकते हैं। और पहला सिनेरियो ये है कि वो ड्रू मैकइंटायर के मैच में आ सकते हैं और अटैक कर सकते हैं ड्रू मैकइंटायर को और चैलेंज कर सकते हैं उनको फॉर इस WWE चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया। और जो सेकेंड सिनेरियो है वो ये है कि वो अगर अटैक कर सकते हैं बॉबी लैशली को और ऐसे बॉबी लैशली एंड ब्रॉक लेसनर की जो फ्यूड है वो सेट हो जाएगी फॉर रेसलमेनिया। पर दोस्तों, ये होने के चांसेस थोड़े से कम ही है क्योंकि ब्रॉक लेसनर के अब तक रिपोर्ट्स आए नहीं है कि वो आ सकते हैं कन्फर्म फॉर एलिमिनेशन चेंबर, या फिर कुछ र्यूमर्स है। बट हम ये स्पेकुलेशन लगा सकते हैं क्योंकि एलिमिनेशन चेंबर फास्ट लेन से बड़ा पेपर व्यू है और अगर ब्रॉक लेसनर को लाना होगा तो विंस उन्हें ला सकते हैं एलिमिनेशन चेंबर में ही टू सेट अप अ मैच एट रेसलमेनिया। तो लेट्स सी, क्या ब्रॉक लेसनर आते हैं कल के एलिमिनेशन चेंबर में? और अगर वो आते हैं तो वो किस मैच में आएंगे और किसको अटैक करेंगे, ड्रू मैकइंटायर को या फिर बॉबी लैशली को? तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसे लगे हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए आप कितने एक्साइटेड है कल के एलिमिनेशन चेंबर के लिए। तो गाइस, प्लीज 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 लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।